महंत नरेंद्र गिरी की भू समाधि हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत से जुड़े सवाल खत्म नहीं हो रहे। सुसाइड नोट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी विवादों से बचने के लिए मौत को गले लगाया, लेकिन अब सुसाइड नोट पर ही विवाद खड़ा हो गया है। संत समाज की तरफ से लगातार उठ रही मांग को देखते हुए योगी सरकार ने नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में CBI जांच की सिफारिश कर दी है। संत समाज ने इस फैसले के लिए UP सरकार का धन्यवाद किया है। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिले सुसाइड नोट के आधार पर ही पुलिस ने उनके शिष्य आनंद गिरी सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी की थी। पूर्व सांसद और संत रामविलास वेदांती का कहना है कि मैंने उन्हें कभी इतना लिखते नहीं देखा, पत्र के हर पन्ने पर अलग लिखावट है। जबकि नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बने बालवीर गिरी जोर देकर कह रहे हैं कि सुसाइड नोट उनके गुरु ने ही लिखा है। इस बीच पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को हटा दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। नरेंद्र गिरी की मौत की सच तक पहुंचना यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। 18 सदस्यों की SIT भी बनाई जा चुकी है। आला अधिकारी सीधे जांच पर नजर रखे हुए हैं। महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो चुका है कि उनकी मौत फांसी लगने से हुई थी। शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। जांच में ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई फोटो है जिससे नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था तो फोटो कहाँ है और किसके पास है। इसको लेकर आनंद गिरी से पूछताछ की गई, लेकिन उसने फोटो की बात से सीधा इनकार कर दिया। महंत नरेंद्र गिरी का जो वीडियो पुलिस के पास है उसमें भी 3 गिरफ्तार आरोपियों के नाम है। वीडियो में सिर्फ नरेंद्र गिरी का चेहरा दिख रहा है। वीडियो उसी कमरे का है जिसमें नरेंद्र गिरी का शव मिला। वीडियो में फांसी का फंदा नहीं दिख रहा। पुलिस को कमरे से सल्फास की गोलियां भी मिली थी जो महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य से मंगवाई थी। सल्फास की गोलियां पुलिस ने कब्जे में ली जिसे केमिकल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने सुसाइड नोट को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। मौके से महंत नरेंद्र गिरी के लिखे कई दस्तावेज मिले जिन्हें कब्जे में लेकर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा कि सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी ने खुद लिखा था या किसी से लिखवाया था। शक के घेरे में आए आनंद गिरी से पुलिस ने 12 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक आनंद गिरी ने बताया कि मई में गुरु नरेंद्र गिरी से समझौता हो जाने के बावजूद दोनों में दूरियां थीं। दोनों के आपस में बात नहीं हुई। पुलिस कॉल रिकॉर्ड को भी जाँच कर रही है। पुलिस ने आनंद गिरी से नरेंद्र गिरी की लिखावट पहचान करने की भी कोशिश की। इसके अलावा गनर अजय समेत सुरक्षा में तैनात 4 लोगों से पूछताछ की गई। ये भी पता लगाया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के वक्त इनके 3 गनर की लोकेशन क्या थी। कुल मिलाकर नरेंद्र गिरी की मौत के सच तक पहुंचना यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। 18 सदस्यों की SIT भी बनाई जा चुकी है। अब CBI जांच की सिफारिश के बाद संत समाज की उम्मीदें हैं कि सच्चाई जल्द सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम तक।